हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। और आज 16 सितंबर 2017 का जो एमटीएस का मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ है उसकी कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं जो हमको अभी तक मिल पाए हैं, उनका मैं सॉल्यूशन देकर डाल रहा हूं। और आप जिन बच्चों ने एमटीएस का पेपर दिया है वो अपने क्वेश्चन को मेज कर लें। और ये जीएस के क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द ओल्डर नेम ऑफ फॉर बर्मा, बर्मा का पुराना नाम क्या था, वो था म्यांमार, बर्मा को म्यांमार के नाम से जानते थे। और दूसरा क्वेश्चन आया, विच इज द मेन एलिमेंट इन एन अमलगम, अमलगम के अंदर जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों मरकरी होता है और मरकरी का फॉर्मूला होता है Hg। तो ये Hg जो होता है ये मेन एलिमेंट है अमलगम का। अमलगम ये MTS के लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था पहले, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है अमलगम। तो ये अगला क्वेश्चन तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू बीइंग, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया या इसको कब स्वीकार किया गया। तो भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के साथ साथ कुछ और चीज़ें थीं जिनको 26 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था, जैसे कि राष्ट्रीय गीत हो गया, एंथम वगैरह हो गए, तो इन सब चीज़ों को भी लगभग 26 जनवरी 1950 में ही स्वीकार किया गया था। तो ये क्वेश्चन था, ऑन व्हाट डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू बीइंग। तो 26 जनवरी 1950 जिन बच्चों ने लगाया उनका ठीक। अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होने के लिए जा रहा है, तो दोस्तों ये इंग्लैंड एंड वेल्स में होने के लिए जा रहा है। इंग्लैंड और वेल्स में 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर मैं अर्थ का एक ओवरव्यू बनाता हूँ, अर्थ ये है, तो बीच में होता है इक्वेटर और ऊपर होता है, एक ऊपर लाइन होती है और एक होती है नीचे लाइन, एक होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दूसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन पूछ रहा है कि इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सी लाइन होती है, तो वो होती है इक्वेटर, अपना इक्वेटर होता है इन दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन फ्लोराइड एंड सोडियम आर कंबाइंड, जब सोडियम और फ्लोराइड को मिला दिया जाता है तो सोडियम फ्लोराइड बन जाता है, और सोडियम फ्लोराइड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बेस है, इसको सोडियम फ्लोराइड के नाम से जाना जाता है। और ये एक बेस है क्योंकि इसके अंदर एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, मेटल भी स्ट्रॉन्ग है नॉन मेटल भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देख, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द भारत रत्न, किसको हाल ही में भारत रत्न दिया गया था, 2015 में ये भारत रत्न दिया गया था, और किसे दिया गया था, ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और साथ में दिया गया था मदन मोहन मालवीय जी को, इन दो व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया था 2015 में। तो 2015 के बाद 2016 में किसी को भारत रत्न नहीं मिला, 2015 में लास्ट में भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय को। तो इस सातवें क्वेश्चन का आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय। और अगला क्वेश्चन है, इन विच हिस्टोरिक एज वाज द यूज ऑफ स्टोन्स स्टार्टेड, तो यूज ऑफ स्टोन स्टार्ट हुआ था, तो वो जो स्टार्ट हुआ था पैलियोलिथिक एज में हुआ था, पैलियोलिथिक एज में स्टोन स्टार्ट हुआ था, प्रचलित हुआ था स्टोन पैलियोलिथिक एज में, जिसको एक नाम और है जिसको जाना जाता है, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, इसको ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है पैलियोलिथिक एज को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीधा हमारे शॉर्टकट से निकल कर आया है, नेम द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर, मैंने अपनी वीडियो डाल रखी थी, जो कुछ इन्वेंटर्स थे, रिसर्चर और डिस्कवरी जो हुई थी उनकी दो वीडियो बना रखी हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से समझा रखा, कभी भूलने वाली चीज़ें नहीं है, आप उन वीडियो को देखें जाकर और आप इसको भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और याद कर लें किसने किस चीज़ की रिसर्च की थी, तो वो मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको वहाँ समझा रखा। वीडियो को रिकमेंड करूँगा कि आप उन दोनों वीडियो को देखें, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप उन वीडियो को देखें, क्योंकि आपको तो तैयारी करनी ही है ना अल्टीमेटली, तो आपको वो चीज़ें देखनी है, तो आप उन दोनों वीडियो को भी जाकर देखें कि वो दोनों इन्वेंशंस पर जो वीडियो बनाई गई हैं या डिस्कवरीज पर वीडियो बनाई गई हैं उसमें किस तरह की ट्रिक यूज़ की गई है याद करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक यूज़ की गई है और आपको एकदम ईजिली याद हो जाएंगी, लगभग 36-37 डिस्कवरीज आपको बिल्कुल लम्हे में याद हो जाएंगी।
तो उसी में से ये डिस्कवरी थी, नेम द इन्वेंटर ऑफ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का आविष्कार जो किया था वो किया था टोरेसिली ने, बैरोमीटर का जो आविष्कार किया गया था वो किया था टोरेसिली ने। तो ये मैंने ट्रिक के माध्यम से वहां समझा रखा, यहां सिर्फ आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन डज हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो वो होता है विटामिन के, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है विटामिन के। ये भी वीडियो से आया हुआ है, हमने जो पिछली वीडियो बना रखी है उसमें ये बता रखा है मैंने विटामिन के बारे में। तो विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में काम आता है दोस्तों। अगर ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के की अगर कमी हो जाए, ब्लड विटामिन के की वजह से जो बीमारी होती है वो होता है हेमरेज, विटामिन के की वजह से हेमरेज हो जाता है। लेकिन ये नहीं था इसमें क्वेश्चन, ये था कि विच विटामिन डज हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन यूज करते हैं, तो वो था विटामिन के। तो दोस्तों अभी फिलहाल में मुझे ये 10 क्वेश्चन मिले हैं जो 16 सितंबर में हुआ है एग्जाम एमटीएस का मॉर्निंग शिफ्ट में। अगर आपको भी क्वेश्चन मिले हो कुछ, या आपने एग्जाम दिया हो, आपको कुछ क्वेश्चन पता हो, तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में, उन क्वेश्चनों को लिख दें ताकि मैं आने वाली वीडियो में उन क्वेश्चनों को अपडेट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।